मित्रों, अब जरा मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मित्रों, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं जो इस समय कतर से यहाँ पे आए हैं, नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे हैं, ये सभी लोग जो है ये भारत के वो पूर्व नौसेना अफसर हैं जिनको कि कतर के अंदर जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, और अब इन सभी को रिहा कर दिया है कतर की सरकार ने। जब कतर की सरकार ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी तो उस समय हमारे देश के अंदर जो है जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें जिस तरह से भारत की विदेश नीति के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, जरा देखिए एक बार। भारतीय नौसेना के रिटायर और काबिल अफसर हैं। दूसरा, इन पर इसराइल के लिए जासूसी के आरोप हैं। इन पर लगे आरोपों के बारे में किसी को भी ठीक से जानकारी नहीं है। इसमें भारत सरकार भी शामिल है। 5 महीने पहले विदेश मंत्री का बयान है कि हमें आरोपों की पूरी प्रकृति मालूम नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार के पास इन सभी को सजाए मौत से बचाने का कोई विकल्प बचा है। कतर में 8-9 सैनिकों को मौत की सजा का ऐलान हुआ है। हम जब इससे जुड़ी तमाम खबरों की कड़ियों को जोड़ रहे थे तब कई सारी बातें हैरान करने वाली नजर आईं। ऐसा लगा कि कई बार भारत की विदेश नीति या कूटनीति कंगना रनौत और इसराइल के राजदूत की मुलाकात की तरह ही सीरियस है। लगता है कि अब जब रिहाई हो गई है तो क्या अब कोई कार्यक्रम करेंगे? क्या आप मोदी सरकार की तारीफ करेंगे? रवीश कुमार, क्या है, देखिए, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए डेहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। इनमें से 7 भारतीय भारत लौटा है। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर की फैसले की सराहना करते हैं। ये विदेश मंत्रालय का जो है बयान आया है। और अब देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो रिहा होकर आए वो लोग ने क्या कहा। ये एक वहाँ पे जो कैद थे इनको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन अब इन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया, जरा सुनिए एक बार। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू, सेम थिंग। तो आपने देखा मित्रों, ये जो है होती है विदेश नीति। बहुत कठिन, बहुत दुष्कर कार्य था, लेकिन इस दुष्कर कार्य को कर दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने, और कतर के अमीर को साधने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पहले देखिए कि इस पूरे मामले में हुआ क्या क्या। 26 अक्टूबर को इन सभी नौसेना अफसरों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। 20 नवंबर को इसमें जो है अपील के लिए सुनवाई थी। 23 नवंबर को फिर सुनवाई थी। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की दुबई में मुलाकात हुई। 3 दिसंबर को जो इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ पे विपुल, उनको वहाँ पे काउंसलर एक्सेस मिल गई, यानी कि मुलाकात जो हुई उसके सिर्फ 2 दिन बाद उनको एक्सेस मिल गई, और वो जाकर के हमारे जो काउंसलर थे उन्होंने जाकर मुलाकात की। इसके बाद 7 दिसंबर को दोबारा सुनवाई हुई। 28 दिसंबर को जो अदालत थी कतर की, उसने जो फांसी की सजा थी उसको वापस ले लिया। उस वक्त ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और मैंने तब भी इस पर एक वीडियो बनाया था। और 12 फरवरी को अब जो समाचार आया है कि उनको वहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये जो सब कुछ वहाँ आप देख रहे थे, इसके पीछे आखिर था क्या, आखिर ये काम हुआ कैसे, ये भी समझना जरा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात ये है मित्रों कि अगर हम देखें तो कतर के अंदर जो है बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, और कहते हैं कि वहाँ पे जो आबादी है उसमें लाखों की संख्या में वहाँ भारतीय हैं, और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान भी है। 15% वहाँ पर भारतीय रहते हैं, लेकिन उसी दौरान जो है 5 लाख जो मजदूर थे वो भारत से इसराइल ने मांगे, और तब भारत सरकार ने या इस तरह का संकेत दिया कि इन सभी जो ये जो मजदूर थे कतर में या कतर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसराइल शिफ्ट हो सकते हैं। जब ये हुआ तो उससे कतर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि उसको लगा कि हमारे यहाँ फिर वर्किंग फोर्स चली जाएगी। इसी तरह से अगर देखें तो रूस और वेनेजुएला में जो गैस की आदान प्रदान पर की संभावना हो सकती है उस पर विचार किया गया। अब कतर जो है वो गैस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत को, तो इससे उसको लगा कि अब हमारी हालत यहाँ पे अर्थव्यवस्था में ख़राब होने जा रही है। इसके अलावा कतर को जो अनाज की सप्लाई है उसको धीमा कर दिया गया, यानी कि भाई अगर गैस तो कितनी है मगर खाओगे तो अनाज ही ना, तो अनाज की सप्लाई वहाँ पे धीमी कर दी गई। इसके अलावा कतर की GDP जो है वो $272 बिलियन है, और गैस से आने वाली जो GDP है वो लगभग $16 बिलियन है, वो 7% है। और यही वजह है कि जब, और भारत उसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है कतर की गैस का, तो जब इसको समझ में आया कि भाई ये हमारे दांव उल्टा पड़ जाएगा, तो आखिर फिर उसने फैसला लिया कि वो जो है इस मामले में अब
आप रिहाई कर देंगे। तो अब देखिए मित्रों, फिर से बता रहा हूँ आपको, राष्ट्र के लिए जो पत्रकारिता है वो राष्ट्र के योगदान से चलेगी। ये मेरा बारकोड है, आप चाहें तो इस पर जो है मुझे कोई भी प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये मेरा एक नंबर है, इस नंबर पे आप अपनी रसीद या जो भी मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं 8376862585, और इसी पर पेटीएम और फ़ोनपे और गूगल पे भी है, इस पर भी आप चाहें नंबर पर सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, और इसके अलावा अब आगे ज़रा बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या समाचार है। तो आगे अब हम ज़रा एक और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर मित्रों बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय। आप देखिए ये कौन है, ये हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनकी अभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है और आजकल गांधी परिवार से बहुत नाराज़ चल रहे हैं। ये मोहम्मद जुबैर है, इसने क्या ट्वीट किया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, न्यूज़ चैनल्स पर। लेकिन अब ज़रा देखिए कि इनका पुराना रूप क्या है। मैंने पहले भी आपको वीडियो दिखाया था, एक बार फिर से देखिए, एक बार छोटा सा वीडियो है, दो मिनट, एक मिनट का देखिए, समझिए कि मामला है क्या। आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं। क्योंकि जब दिलों में गांठें लग जाती हैं तो जलेबी की तरह गोल गोल बात करके गांठ नहीं खुलती, दिल खोल के बात करनी पड़ती। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। तो आप देखिए ये जो है कौन है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है, आप देख सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम है ये, और इन्होंने जो है अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि मैंने आपको ये वीडियो पहले भी दिखाया था, और जब मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था तो उस समय ये वीडियो वायरल नहीं था, लेकिन जब मैंने ये वीडियो दिखाया उसके बाद अब ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है। और अब इनके ऊपर ये बताया जा रहा है कि साहब जो है आपने किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। हालांकि अब देखिए यहाँ पे इनकी फजीहत होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि वोट के लिए आप ये सब कर रहे हो। आप एक हिंदू हो, आप कल की पीठ के खुद को पीठाधीश्वर कहते हो, तो आपको मोहम्मद के बारे में या इस तरह के भावपूर्ण बातें करके लोगों को वोट के लिए जो आप कर रहे हो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप हिंदू होते हुए भी अपनी अपील कर सकते हो, लेकिन नहीं, चापलूसी की इंतहा में इतना दूर तक चले जाना है कि लोग कहें कि भाई ये है क्या आखिर। अब ज़रा देखिए क्या लिखा है, लिखा है मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। पहले कांग्रेस में रहकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, अब भाजपा ज्वाइन करके वोटों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अजीत अंजुम क्या लिख रहे हैं, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता, नाराए तदवीर का नारा लगाने वाले ये प्रमोद कृष्णम मोदी राज में सब पलटी मार रहे हैं बारी बारी। ठीक है, अब यहाँ पे दिखिए जरा, ये दिव्य कुमार सोती है, इनकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत तीखी है और सही प्रतिक्रिया है। क्या लिखा है, क्यों आचार्य प्रमोद तुम कल्कि भगवान के नाम पर आश्रम चलाते हो, शास्त्रों में लिखा है कि कल्कि अवतार मलेच्छों के आतंक से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए होगा, तो इस वीडियो में ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम सुधर जाओ, जाओ गंगा यमुना सरयू सब में स्नान करो, तीर्थों की परिक्रमा करो, और संबल में हिंदू वोटों का विभाजन ना हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ डिलीट नहीं करना, सब सेव्ड करना है। आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदू समाज को डिलीट कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, मैंने पहले भी दिखाया था आपको एक बार इनके बारे में, जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की बात इनकी शुरू हुई थी तब मैंने आपको वीडियो दिखाया था, लेकिन लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, हिंदुओं की याददाश्त जो है वो बड़ी कमज़ोर होती है, इसीलिए बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इनकी मुलाकात भी हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी से मिल भी गए हैं, लेकिन और कहा जा रहा है कि अब आखिरी संत जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जो रहा हो उसको मैं संत मानता ही नहीं, बात सीधी सी एक नंबर की है। क्या लिखा है, देखिए लिख रहे हैं
कि मेरे सिर पर एक बोझ था जो कि उतर गया। मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का एहसान मंद हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया है। काफ़ी घुटन होती थी जब लोग सनातन को गाली देते थे, मेरी पार्टी चुप रहती थी और मैं इसके लिए खुद को पापी और अपराधी समझता था। सोचता था कि मैं इस पार्टी के साथ क्यों खड़ा हूँ जो कि सनातन धर्म को मिटाना चाहती है। भैया सवाल ये उठता है, आप किसके साथ खड़े हो? ये बात अभी हमने यहाँ पर देख ली। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, बयान हैं, अब इसमें मैं आपको इस मामले पर सिर्फ एक ये लाइन सुनाना चाहूँगा जो कहते हैं कि रहीम दास का लिखा हुआ है। क्या है कि बगुला बैठा ध्यान में प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर, मलकर भस्म शरीर तीर जब देखी मछली। इसका मतलब समझ रहे क्या है? ये बगुले के ऊपर है कि बगुला जो है वो कैसे नाटक करता है कि वो तो हंस है। ठीक है, अब किसकी किसके दिमाग में चित्र आ रहा है, बगुला कौन है? मैंने जो बताया अभी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बगुला बैठा ध्यान में प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे मलकर भस्म शरीर, मलकर भस्म शरीर तीर जब देखी मछली, कहे रहीम गसिसों चोंच समूची फौरन निगली, फिर भी आवे शरण बैर जो तजके अगला, उनके भी तू प्राण हरे रे छी छी बगुला। यानी कि बगुला जो है वो दिखाता अपने आप को ऐसे है कि वो तो हंस है, या वो अपने को दिखाता है कि मैं तो तपस्वी हूँ। बगुला जो है खुद को तपस्वी दिखाता है, लेकिन जैसी मछली आती है ना वैसी वो मछली को खा जाता है। तो ऐसी जो बगुले हैं इनसे हिंदू समाज को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अब मित्रों एक और वीडियो का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा। एक ये स्पीकर की भूमिका में थे राजेंद्र अग्रवाल जो कि सांसद हैं बीजेपी के, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, झूठ में कब तक जिएंगे हम? सबको झूठ में आखिर कब तक जीना होगा? हम आखिर सच स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते हैं? सवाल ये उठता है। तो राजेंद्र अग्रवाल जो कि स्पीकर की भूमिका में थे, सांसद हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इन्होंने ओवैसी को टारगेट करते हुए जो बात कही, जरा सुनिए एक बार। आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के, यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी एएसआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था, तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। तो दरअसल ये क्या कह रहे हैं, आप समझ रही हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विवादित जमीन पर मस्जिद नहीं हो सकती। राजेंद्र अग्रवाल जो है यही बात समझा रहे हैं इनको, क्या नाम है कि ओवैसी को, कि जहां मंदिर था वहां मस्जिद कैसे हो सकता है, इस्लाम इसके लिए अलाउ नहीं करता। इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया हुआ, देखिए ये है ब्रिटेनिका यानी कि विश्व ज्ञान कोश, ये क्या है काबा, ये काबा की फ़ोटो लगी हुई है। और काबा की, और मैं ये आपको आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे देखिए अब दो तरह के मुसलमान हो चुके हैं देश के अंदर। एक तो वो मुसलमान है जो कि उनको पता है, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जानते हैं कि हमें जो करना है वो अपना काम जो गजवाए हिंद का है उसमें लगे रहते हैं, चाहे कहीं पर भी रहें वो, चाहे वो कहीं आप दफ्तर में काम करते हो, चाहे सब्जी बेचते हो, चाहे कपड़े बेचते हो, चाहे कोई काम करते हो, उनका वो टारगेट जो होता है गजवाए हिंद, वो कभी उनके दिमाग से भूलता नहीं है, हमेशा उनके दिमाग में गजवाए हिंद का टारगेट रहता है। एक तो ऐसे मुसलमान हैं, दूसरे ऐसे भी मुसलमान हैं जो कि गजवाए हिंद का टारगेट तो रखते हैं लेकिन वो आपसे बड़ी चालाकी से अलतकैया करते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान राम इमाम हिंद हैं। अरे भगवान राम कैसे इमाम हो गए? इमाम तो एक धर्मगुरु की पोस्ट होती है, भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, सबसे बड़े अवतार हैं, उन्हें कैसे कह सकते हैं इमाम हिंद? लेकिन आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे इमाम हिंद, तो लोगों को जरा जवाब दे दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। इसी तरह से अब ये कुछ लोगों ने एक और राग आलापा हुआ है, और वो आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि नहीं नहीं विवादित ज़मीन पर नमाज नहीं हो सकती, कहते हैं ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो काबा है, इस काबा के बारे में जरा देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञान कोश लिखता है,
630 में मोहम्मद की सेना ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने मंदिर में स्थित मूर्ति पूजक मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया और इसे बहुदेववाद के सभी संकेतों के साफ करने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? विश्व ज्ञान कोश कह रहा है कि काबा के अंदर पहले प्रतिमाएं थीं, उन प्रतिमाओं को तोड़ा गया, इसके बाद वहाँ पे वो मुस्लिम धर्म का केंद्र बन गया। तो आप ये बताइए कि काबा में जो नमाज पढ़ी जा रही है वो नमाज स्वीकार हो रही है ना? काबा में जो नमाज पढ़ी जा रही है वो स्वीकार तो हो रही है ना? तो ये बात कहाँ से आती है बार बार की विवादित जमीन पर या कब्जा की गई जमीन पर नमाज नहीं हो सकती? ये सब फालतू की बातें जो आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जो आपको इस्लामिक उदारता का ढोंग कुछ लोग करते हैं, उससे आपको सावधान रहने की बहुत ही सख्त जो है वो आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ। और ये जो है एक इस्लामिक धर्मगुरु है जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और इन्होंने ये बताया, साफ साफ बताया कि इस्लाम के प्रचार के लिए कत्लो गारत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना साहब कह रहे हैं जो कि बड़े पाकिस्तान के मौलाना हैं, अब तो इनकी मौत हो गई है। ठीक है, लेकिन इनकी बात जरा सुनिए कि आखिर ये बोल क्या है। सुनिए कि अगर सिर्फ दावत और तबलीग से इस्लाम कायम हो सकता तो हुजूर से बड़ा मुबल्लिग और दाई तो कोई ना हुआ है ना होगा। जब हुजूर को भी अपनी दावत के बाद और दावत के नतीजे में जो आए उन्हें मुनज्जम करके जमात बनाकर और फिर बातिल से टकराया नहीं हुजूर ने, और फिर जंगों की नौबत नहीं आई, और जबकि उन लोगों को भी युकातिलून फी सबिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून इस मरहले से नहीं गुजरे, कत्ल करते भी हैं कत्ल होते भी हैं। गज़वा बदर में 70 जो हैं तरशी मारे गए और 14 सहाबा जो है शहीद हुए, गज़वा उहुद में 70 जो है सहाबा शहीद हो गए। तो इस तरीके से ये तो हुआ है, लेकिन इसके बगैर अगर आप समझे अपनी जान दिए बगैर कि आप इस्लाम दुनिया में नाफिज कर देंगे तो वो अनहोनी बात है। क्या कह रहा है? साफ साफ तो कह रहा है इस्लामिक धर्मगुरु, अपनी जान दिए बिना अगर इस्लाम दुनिया में नाफिज हो जाए ऐसा आप सोचते हैं तो वो उचित, वो गलत है, ऐसा कह रहे हैं साफ साफ। तो ये मैंने क्यों दिखाया आपको? ताकि आप समझें। और एक जरा बड़ी ही दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए। तूने किया बेटा, तुम्हारा हाथ दुख जाए दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया मिल गया, तेरा प्यार, तेरा प्यार, अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा, अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया, शाबाश। ये एक बच्चा था जो कि मोदी की रैली में आया हुआ था, हाथ ले रहा था बार बार, तो उसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेटा बस कर, अब हम तेरी बात समझ गए, तेरा प्यार मुझे मिल गया। तो ये देखिए, अब ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समाचार मैं आपको देना चाहता हूँ। ये हैं सागरिका घोष, जो कि राजदीप सरदेसाई जो टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकार हैं उनकी पत्नी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष जाएंगी राज्यसभा। और कौन उनको भेज रहा है राज्यसभा? उनको राज्यसभा भेज रही है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल नॉमिनेट्स जर्नलिस्ट सागरिका घोष टू राज्यसभा। और यहाँ क्या लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, रसगुल्ले का इनाम। तो ये रसगुल्ला का इनाम आखिर है क्या? ठीक है, जरा इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, ये हैं राजदीप सरदेसाई जो कि झूठे ट्वीट करते हैं, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ तरह तरह के फालतू के आरोप लगाते हैं। ये उनकी पत्नी है, सागरिका घोष नाम है। और इनके जो राजनीतिक परिवार, यानी इन्होंने जो है मसाज की है ममता बनर्जी की, उसका फल इनको मिल गया है, रिजल्ट मिल गया है। और इनको जो है वो क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अनाउंसेस द कैंडिडेचर ऑफ सागरिका घोष, यानी सागरिका घोष को जो है वो राज्यसभा में भेजा जा रहा है। और अब जरा सुनिए वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है, किस तरह से ये जो राजदीप सरदेसाई हैं, ये राजदीप सरदेसाई किस तरह से जो है ममता बनर्जी की चापलूसी में लगे रहते हैं, इनके पति हैं सागरिका घोष के, जरा सुनिए एक बार। आप जानते हैं मैं चाय पे गया था, चाय पे चर्चा हुई, मैं आपको आश्वासन देता हूँ अगर इंटरव्यू होता तो डायरेक्ट सवाल जवाब होता, लेकिन ये जीत कर आई है तो बधाई देने तो जाना पड़ता है ना। अरे राजदीप जी, आप मुझे आश्वासन मत दीजिए, जब इंटरव्यू करें पूछ ले, मैं तो आपकी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा उत्सुकता बस पूछ ले कि क्या क्या बातें हुई। प्रोफेसर चक्रवर्ती, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता। क्या पत्रकार रसगुल्ले खा के नेताओं का, एक रसगुल्ला मिलता है बस यार। कह रहे हैं कि अगर सवाल पूछता तो रसगुल्ला नहीं मिलता, तो राजदीप सरदेसाई जो है खुद ही बता दे रहे हैं कि अगर मैं सवाल पूछता तो रसगुल्ला कहाँ से मिलता खाने के लिए। तो रसगुल्ला जो था वो इनकी पत्नी सागरिका घोष को मिल गया है राज्यसभा की सीट। तो ये असल में जो गोदी मीडिया है वो ये है, गोदी मीडिया जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, ये आतंकवादियों का भी गोदी मीडिया है और ये
ऐसे लोगों का भी गोदी मीडिया है। और अब मित्र मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, छोटा सा विषय है, आपसे बात करना चाहूँगा। आप देख जान रहे हैं ये कौन है, ये जो आचार्य श्री हैं इनका नाम है स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, ये हैं। और आपको याद होगा मित्रों कि इन्होंने ही जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जो उपवास था 11 दिनों का उसको तोड़वाया था। और क्या लिखा हुआ है, राम मंदिर निर्माण से देश का वास्तु बदलेगा और विश्व में सम्मान बढ़ेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मैंने एक समाचार सुना और ये सुना कि गोविंद देव जी गिरिजी महाराज जी अब एक देश में नई परंपरा शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पे राम, भगवान राम की कथा होती है, भगवान कृष्ण की कथा होती है, भागवत होती है, उसी तरह से अब शिवाजी महाराज की कथा के लिए भी अब जो है कार्यक्रम शुरू होंगे। और अब शिवाजी महाराज को की कथा जो है, उनके पराक्रम की कथा जो है वो पूरी दुनिया में, देश में पहुंच सके, इसके लिए बिल्कुल एक हिंदू धर्म की परंपराओं की तरह उसको, जैसे राम और भगवान कृष्ण की कथा होती है, वैसे ही शिवाजी महाराज की कथा को शुरू करने का काम जो है वो स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज करेंगे। बहुत अच्छा फैसला है। मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप सबको इस पर एक टिप्पणी करनी है और सब लोग जो है इस तरह की कथा जो है वो अपने जगहों पर आयोजन करने के लिए फैसला करें। बहुत, इससे अच्छा राष्ट्र के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या बात करूंगा, अब जाते जाते जो है एक छोटा सा आपको वीडियो दिखा रहा हूं अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम की तकलीफ क्या है जरा सुनिए कि आज की डेट में मोदी का विरोध करने की वजह से उनको क्या क्या दुख झेलने पड़ रहे हैं, जरा सुनिए, आपको आनंद आएगा। के साथ ये बात 2014 के पहले करते थे और ऐसे दिखते थे, उनमें वो बदलाव हो गया कि हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। लगता है हमारा कोई दोस्त जो 30 साल से दोस्त था, जो न्यूज रूम में हमारे साथ रहा, हमारा जूनियर रहा, बहुत आत्मीयता, बहुत प्रॉक्सिमिटी, रोज घंटों रहना, लंच करना, अब हम सब के बीच में मोदी हिंदू या कुछ ऐसी चीज आ गया कि अब वो तय कर लिया कि अब हम आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हिंदू होना है और आप जो बोलते हैं वो हिंदू होने के खिलाफ है, तो इसलिए अब हम उनसे कट गए। तो हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर हमारी दुनिया बहुत श्रिंक हो गई, मतलब मैं तो फील करता हूं। तो मित्रों अब बस यही, इसी के साथ वीडियो का समापन करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपसे एक छोटी सी अपील के साथ। और वो अपील क्या है, वो अपील ये है मित्रों कि ये मेरा बारकोड है, आप चाहें तो, मेरा मानना है कि राष्ट्र के लिए पत्रकारिता राष्ट्र के सहयोग से चलेगी, तो आप चाहें तो इस पर कुछ प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं मुझे। इसके अलावा ये जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी रसीद जो भी है आपने कुछ अगर दिया है तो। इसके अलावा इसी नंबर पर 8376862585, इस पर मेरा फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे भी है, इसको भी आप चाहें तो यूज़, इसको भी आप चाहें यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो और ये मेरा मित्रों एक और यहाँ पे एक नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मिस्ड कॉल कर देंगे, इसको नंबर सेव कर लेंगे तो आपको मेरे आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।